नेक्स्ट कॉलर हैं नीतू जी, सिकंदराबाद से स्वागत है आपका। हेलो मैम, हाँ जी नमस्ते जी नमस्कार। मैम। मुझे ना ये प्रॉब्लम है कि मेरे ना बाल वो टूट रहे हैं। मेरी उम्र 30 साल है। ठीक है जी। बाल किसी के टूटे या वहां से किसी के निकले, इन बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए बड़ी परेशानी होती है। या किसी का हाइट नहीं बढ़ती है जो अंडर एज है, सबकी नहीं, आप नहीं, उनके लिए एक कुदरत ने एक तोहफा दिया है, उसे कहते हैं सफ़ेद गौन मोरिंगा। वो ले लीजिए, 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध में मिलाकर या नारियल पानी मिलाकर 1 ग्राम रोज़ाना लिया करें। ये रॉ मटेरियल है, इसको पाउडर बना लें और एक एक 1 ग्राम रोज़ाना इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी पटौदी से हैं सुरेश चंद जी, स्वागत है आपका। मेरी कड़ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, कहाँ? कमर में। कमर में कब से दर्द है? 2 साल होगा। आपकी उम्र क्या है? 72 साल। ठीक है। और देखिए, बहुत मेहनती किसान लग रहे हैं आप मुझे तो। आप कुछ भी करते हो, अगर मेहनत करते हो तो मेहनत छोड़ दें, 2-4 महीने के लिए बिल्कुल मेहनत ना करें। और ऐसा ये कुर्सी वाला जो शौचालय होता है, ये आप लगवा लें अपने घर में, अगर आप हमेशा हमेशा अच्छे रहना चाहते हैं। और वही मैं बताऊंगा आपको भी, एक प्रोग्राम में दसियों बार बताता हूँ कि किसी को अगर गोंद स्याह यानी काला गोंद मिल जाए असली, इसे काला गोंद भी कहते हैं और गोंद स्याह भी कहते हैं, लेकिन बे इंतहा नकली मिलता है, 100 ग्राम खरीद लें, असली मिल गया तो काफ़ी होना चाहिए आपके रोग के लिए। ये 14-15 रुपये रोज़ की दवाई है, 1 ग्राम 14-15 रुपये का तकरीबन मिलता है, महंगा भी मिला तो। आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम, और 100 ग्राम भी अगर आपको असली मिलने में कामयाबी मिल गई तो आपको रोग मुक्ति की ताकत रखता है। जी दिल्ली से हैं धर्मवीर जी, स्वागत है आपका। जी मैम नमस्कार। जी नमस्कार। मुझे अकील जी से पूछना है कि मेरे एसिडी यानी गैस बन रही है, गैस के साथ में तेजाब बनता है, मुझे उल्टी आती है, कब से तो तकलीफ है ये इसका, आपको? ये कम से कम हो चुकी है 20 साल लगभग। जी आपकी उम्र क्या है? जी मैंने कि 20 साल हो चुकी है मुझे इस रोग आपकी उम्र के, क्या उससे है? उम्र 44 साल। ठीक है। उम्र सारी गुजारी इसके बुता में मोमिन, 44 साल है और 20 साल तो आपके इस रोग को हो गए। रोज़ आना, सुबह उठते ही एक पीस आप खाया करें, बेल पत्थर का मुरब्बा मिलता है, पत्थर बेल, बेल पत्थर कहते हैं, जो अभी ऑफ सीज़न है, 2 महीने बाद शायद मिलेगी, अभी उसका मुरब्बा मिलेगा। एक पीस सुबह उठते ही खा लिया करिए और पानी पिया करिए गरम 5 बार, आपकी इस परेशानी में फ़ायदेमंद हो सकती है। जी तो धर्मवीर जी, इतने सालों से आपको गैस की प्रॉब्लम है और जैसे कि आपने कहा कि आपको डाइजेस्ट नहीं हो पाता है खाना, तो अब ठीक आप हो सकते हैं अगर आप ये नुस्खे अपनाते हैं। एक एक बात मैं यकीन कर सकती हूँ कि आपने लिख ली होगी। अगर चूक कर गए हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 24 आवर्स, कभी भी कोई भी रॉ मटेरियल मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कंपनी से मंगवा सकते हैं। अतिया हर्ब्स जो कि एक ब्रांडेड कंपनी है और 500 से भी ज्यादा फ्रेंचाइजी इसकी देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब, जो लाइव आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। वीरेंद्र जी जी स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्ते। जी नमस्कार। कहां से बात कर रहे हैं? मैं मीरपुर से बोल रहा हूँ जी। आपका सवाल क्या है? मैडम जी, एक तो मेरे जो तलवों में है, एक तो गुलगुली सी लगे है इनमें तलवों में, हाँ और पेट में भी परेशान नहीं रह रहा जी, पेट बढ़ती रहा। आपकी उम्र क्या है?
33 साल उम्र है जी। अरे बालों में खुश्की रहे मेरे, वो रूसी जो हो जा बालों में। हाँ जी ठीक है। तीन बीमारी है जी मेरे ठीक जी। ये बालों में जो रूसी है उसके लिए तो आप जो देसी घी होता है जो महिलाएं घर में निकाल लेती हैं बालाई जमा करके ना, दूध की बालाई जमा करके जो घी निकाल लेती हैं, ये घी रात को लगाकर सो जाया करिए सर में और सुबह को गोसल कर लीजिए, या जितनी देर भी रात में लगाएं 2-3 घंटे उसके बाद नहा के भी सो सकते हैं। ये एक हफ्ता करेंगे तो इससे निजात मिलना मुमकिन है। अब जो पैरों की गुदगुदी है तो इसमें आप मेहनत ज़्यादा ना किया करें, और देखिए ऐसे सीधे खड़े हो जाएं और अपने घुटने भी ऐसे जोड़ लें, ठीक है, और पैर भी ऐसे जोड़ लें और सीधे खड़े होके बगैर घुटने मोड़े अपने पैर छूने की कोशिश करें। छूने लगेंगे आप दिन में 5 बार छूइए अपने पैर, और इससे आपकी पैरों की गुदगुदी भी ठीक होना मुमकिन है। पेट की परेशानी में अपने गराड़ी से कहिए कि या जो भी आपके घर में खाना बनाती हैं उनसे कहिए कि कंजूसी छोड़ दें, और ये इतना सा लहसुन और इतनी सी अदरक डालते हैं, पूरे परिवार उसे खाता है, इतनी अदरक और इतना ही लहसुन डालें, फिर देखें आप जिस दिन खाना खाएंगे उस दिन से आपको पेट की तकलीफ में फायदा होना शुरू हो सकता है। जी झारखंड से हैं प्रदीप झा, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, मुझे खुजली की परेशानी है 6 महीने से, कोई भी दवाई से ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जब आपको खुजली होती है तो क्या कोई दाग आ जाते हैं, दाने निकल आते हैं? थोड़ा दाब जैसा दाग जी। अलसी खरीदें, 200-300 ग्राम अलसी खरीद लें और इसको साफ सूफ कर लेना, कंकर वंकर बहुत मिला देते हैं, और हल्का सा भून लें और फिर इसका पाउडर बना लें, और ये 1 चम्मच लें छोटा चाय का चम्मच, आधा या 1 चम्मच लें, और इसमें 1 चुटकी में जितना खाने का सोडा होता है ना किचन में वो मिलाकर रोज़ाना 1 बार इसे खाया करें और 5 बार गर्म पानी पिया करें, आपकी परेशानी ठीक होना मुमकिन है। जी बनारस से हैं जोया, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब। जी वालेकुम सलाम, जीती रहिए। मेरी उम्र 15 साल है, मेरी हाइट नहीं बढ़ती है और हम पतले भी बहुत हैं। दोनों चीजें, पतला होना, हाइट ना बढ़ना, मुहासे होना और बाल ना बढ़ना, इसके लिए कुदरत ने एक गोंद पैदा किया जिसको सफ़ेद गोंद मोरिंगा कहते हैं, सफ़ेद गोंद मोरिंगा। अभी आप अंडर एज हैं, आपको फ़ायदा हो सकता है। ये गोंद मोरिंगा सफ़ेद वाला ही लेना, उसमें लोग कुछ भी दे देते हैं, कोई पीला सा होता है वो दे देते हैं, कोई लाल सा हो जाता होता है वो देते हैं, सफ़ेद गोंद मोरिंगा ही असली होता है, कोई नकली ना दे दे, मैं ज़िम्मेदार नहीं। इसकी रॉ मटेरियल है कुदरती गोंद है, जो ऐसे चाटो तो थोड़ा खारा खारा सा लगता है, ठीक है, इसको आप पाउडर बना लें और 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर दूध में मिला कर लें, आप दूध में मिला लें और शक्कर वक्कर भी डालें अपने जायके की, रोज़ाना 1 बार ले लिया करें, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो जोया आपको फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, आप ये नुस्खे अपना लीजिएगा और फीडबैक कॉल के ज़रिए हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कितना लाभ मिला है। आइए बात करते हैं अगले कॉलर से, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो जी कमल, आपका सवाल क्या है? हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैंने आप मंगवाया था आपसे गोंद मोरिंगा और जैतून का सिरका। ठीक है। तो मेरी वाइफ का था प्रॉब्लम थी, उसके स्किन लूज हो गई थी फेस की। हाँ।
और वो लेना और मुझे डायबिटीज है। अच्छा, उनको फायदा हुआ? हाँ, उनको आगे से तो फर्क है थोड़ा। आपको डायबिटीज है? हाँ, तो मैं वो। हाँ, उम्र क्या है आपकी? 55। तो लिया नहीं आपने जैतून का सिरका? लेना शुरू किया? हाँ जी, लिया है। तो कुछ तो फायदा शुरू हो गया होगा? हाँ, उससे कुछ तो फायदा है। ठीक है, और कोई सवाल बेटा? सॉरी, कुछ और सवाल थे आपका? मैं गोन का मोरिंगा ले सकता हूँ कि नहीं? जी, गोन मोरिंगा जी ले सकते हैं या नहीं? अच्छा अच्छा हाँ, आप ले सकते हैं। तो देखिए, ये गोन मोरिंगा से मैं कहता हूँ कि चेहरे पर रौनक आती है, झाइयाँ चली जाती हैं बेशतर लोगों की, और मुहासे का तो दुश्मन है ये, और हाइट के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है, और आप भी ले सकते हैं। इस जैतून का सिरका आप लिया करें, क्योंकि डायबिटीज़ का अभी तक कोई ऐसा इलाज नहीं है जो आपको सेहतमंद रखे और डायबिटीज़ पूरी तरह अच्छी हो जाए। ये इसकी मैं मदद करता है और आपको सारी ज़िंदगी सेहतमंद रखता है। वो दवाएं भी लें जो आपको डॉक्टर देता है, और बड़ा अच्छा किया आपने फीडबैक कॉल दे दी। जी, हिमाचल से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। हेलो जी, धनंजय आपका सवाल क्या है? गगन ठाकुर बोलो। गगन जी? हाँ जी, गगन ठाकुर। ठीक है, आपका सवाल क्या है? मैम, मेरे को ना पेन होती है सारे, मतलब शरीर में। पूरे शरीर में पेन होता है? जी। आपकी उम्र क्या है? 50 साल मैम। और ये दर्द आपको कब से है? मैम, 4-5 साल से। चार पांच साल से पूरे शरीर में दर्द रहता है। क्या नाम बताया? गगन डाकू। जी, ऐसे ही कुछ नाम बताया। अच्छा, सरनेम होगा। अच्छा देखिए गगन जी, 5 साल लगातार क्या इलाज नहीं लिया होगा आपने? मुझे बड़ा अचरज होता है कि लोग कितनी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं और कोई रास्ता भी नहीं है। एक रास्ता है, यूनानी का रास्ता, घरेलू नुस्खे का रास्ता, और एक गौन कुदरत ने पैदा किया है जिसे गौन स्याह कहते हैं। गौन स्याह मतलब काला, हम लोग गौन स्याह कहते हैं, लेकिन आधा इसे काला गौन आसान भाषा में कह सकते हैं। देखिए, ये असली लेना आपकी जिम्मेदारी, नकली बहुत मिलता है, कड़वा बहुत होता है। हालांकि ये 15-16 रुपये, 14 रुपये, 15 रुपये, 16 रुपये महंगा भी मिला तो एक दिन का बस इतना सा इलाज है कि 1 ग्राम इतने का ही आता है, और एक दिन में इतना ही खाना है, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। कड़वा बहुत होता है और नकली बहुत मिलता है। नाश्ते और खाने के बाद आधा आधा ग्राम खाएं, और पानी से खाएं, बगैर चर्बी के दूध से खाएं, खाने के बाद ही खाएं। और ये 100 ग्राम भी अगर असली मिल गया तो आपको फायदा होना मुमकिन है। केशव है हमारे साथ हिमाचल से, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार मैम। जी नमस्कार, मैं नीलम बोल रही हूँ। नीलम नाम है आपका? हाँ जी, हस्बैंड है मेरे। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैंने ना गोंद स्याह लिया था। हाँ हाँ, 4 महीने हो गए मुझे लेते हुए, तो मुझे काफी आराम है। और एक ना बेटे के लिए मंगवाया था गोंद मोरिंगा। हाँ, आपकी ना काल ही नहीं लगती थी यार, बड़ी मुश्किल से आज रिस्पेक्ट करके लगवाई है काल। जी, तो हकीम साहब का धन्यवाद। एक सवाल है मेरा कि एक बेटे की ना आई साइट वीक है एक आंख की। हाँ, और दूसरे एक बेटे की थोड़ी मेंटल प्रॉब्लम है। अच्छा, दोनों की उम्र क्या है? दोनों की उम्र सेम या जुड़वा है दोनों? क्या उम्र है? 24 साल। और कोई सवाल? एक सवाल मेरा और, एक मेरे भाई है ना। हाँ, तो उनकी एज है 56 साल। तो वो
एनआईटी में ना प्रोफेसर हैं, तो वो फाइलें ना देख के चेक करते रहे और सैनिटाइज लगाते रहे, तो उनको ना हाथों में ना जलन होती है, खारिश भी होती है और जख्म हो जाते हैं। तो बहुत दवाइयां ली उन्होंने, उनका अपना बेटा डॉक्टर है स्किन स्पेशलिस्ट, तो बहुत दवाइयां ली, आप कोई देसी नुस्खा उनके लिए भी बताएं। ठीक जी, सारे सवाल आप बताइए मुझे एक एक करके जी, वो सारे सवाल हैं और ये हमारी व्यूअर्स को काफ़ी फायदा है, बताइए क्या सवाल है जी। पहले तो इन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया है रॉ मटेरियल से, और इन्होंने अपने बच्चों के लिए पूछा है, जुड़वा बच्चे हैं, एक थोड़े दिमागी तौर पे ठीक नहीं है और दूसरे जो हैं उनकी आँखों में दिक्कत है, एक आँख की आईसाइट वीक है। जिनकी आँखों की रोशनी कम है उनको आधा से एक ग्राम गौन, सफ़ेद गौन मोरिंगा गाजर के जूस में मिलाकर रोज़ाना एक बार पिलाया करें। जब गाजर का जूस ना मिले तो सौंफ के पानी में मिलाकर, सौंफ उबालकर उसके पानी में मिलाकर पिलाया करें। दूसरा सवाल, जिनकी दिमागी हालत अच्छी नहीं है उस बच्चे के लिए एक नुस्खा लिख लीजिए, मैं ठहर ठहर के बोलता हूँ आप लिख लीजिए। 300 ग्राम आपको लेना है धनिया, 300 ग्राम धनिया, 150 ग्राम आंवला और 150 ग्राम आंवला और 150 ग्राम आपको लेना है छोटी हड़ और 150 ग्राम छोटी हड़ और 150 ग्राम गौन मोरिंगा सफ़ेद। अच्छा, छोटी हड़ को पहले घी में या बादाम के तेल में या अरंडी के तेल में भून कर फिर इन सब के साथ पाउडर मिलाना है और इसमें 40 ग्राम छोटी इलायची मिलाकर पाउडर बना दीजिए और एक चम्मच सुबह निहार मुँह उस बच्चे को जिसको दिमागी परेशानी है खिलाया करें, तो काफ़ी टाइम जाके इनको फ़ायदा होगा। जो इलाज करना चाहें करते रहें लेकिन ये ज़रूर दिया करिए जी। हाथों में जलन खारिश होती है, एक इनके रिलेटिव हैं उनके, उन्होंने सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़्यादा किया। हाँ, उनको कैप्सूल हुस्न सुलेमानी एक सुबह एक शाम बगैर चर्बी के दूध से दिया करें तो उनको फ़ायदा होना मुमकिन है।